Hey, what's up, subscribers? Welcome back to another video. तो कैसे हो मेरे भाई लोग? एंड भाई आज हम जाने वाले हैं डेंजन में, वो भी मल्टीप्लेयर में। तो हमारे साथ जाएंगे मेथिक एक्स और एक्रो भाई साथ में। तो मैं ये डेंजन पहली बार नहीं कर रहा, मैं इसके पहले भी हरा के आ चुका हूँ बॉस को। तो मेरे पास बहुत सारा एलिमेंट भी था और भाई मेरे पास टेक हेलमेट भी मेरे को मिल चुका है और ये मेरा सेकंड टाइम है। तो भाई उतना कुछ डर नहीं है एंड जो सामान चाहिए था मैं सब ले लिया हूँ। तो भाई वीडियो ऐसी लंबी होने वाली, तो डायरेक्ट मैं आपसे मिलता हूँ रेड ऑब्लिक्स के पास में। A few moments later. तो भाई मैं और मिथिक एक्स ग्रिफिन पे बैठ के आ गए और भाई अपना एक्रो भाई अकेले आया था और उसका गेम भी क्रैश हो गया वहाँ पे। भाई यार क्या करते रहता है ये बंदा, गेम क्रैश करवाते रहता है कसम से, बंदा हर टाइम लेट करवाता है। मारो यार उसको, ऐसे नहीं मारते, ऐसे मारो, दो तीन पंच मारो तब ये बंदा सुधरेगा। भाई अपना घर सकते जा रहा है यार, छोड़ दो, नहीं मारते हैं, अपना डेंजन में जाते हैं। मर गया तो भाई और लेट हो जाएगा फिर। तो चलो यार चलते हैं डेंजन में। एंड अपने एक्रो भाई भी ऑनलाइन आ चुके हैं। तो ये वाला डेंजन मीडियम है एंड इसके पहले वाला जो आया था भाई खतरनाक, उसमें कार्नो रूम तो भाई क्लियर ही नहीं हो रहा था मेरे से। आई नो मैं करता था ऑफलाइन में, वैसे बात नहीं है। ओके तो हम लोग डेंजन के अंदर आ चुके हैं एंड भाई ओ भाई खतरनाक लैग यार। भाई एक सेकेंड के लिए गेम फ्रीज हो गया मेरा, हवे में था मैं यार लिटरली। अभी मेरे को मेथिक्स बोल रहा है हवे में था मैं एक सेकेंड के लिए लिटरली। भाई ओपी क्या लैग होता है डेंजन में भी। और भाई इस पागल टैपी यार को देखो यार, ये कहाँ भागना चाह रहा है। आई मीन यार दीवार के उस साइड निकल जाएगा क्या लिटरली ब्रो, जब भागने का जगह नहीं है तो यार एक जगह पे खड़े रहो ना, हम लोग थोड़ी मारने आ रहे हैं। आई मीन मैं तो मारूंगा नहीं, मेरे को पता है। एंड इस बार भी हमें गाइड कर रहा है अपना एक्रो भाई जो कि डेंजन का प्रो है। तो चलो साइड में चेस्ट है उसको जाके ले लेते हैं। एंड भाई मेरे को पता था बेचारा टैपी आ रहा है इसलिए भाग रहा था इन लोगों से बच के। भाई क्या ही करे, सबको जान की फिक्र रहती है एंड ये लोग भाई सबको मारते रहते हैं पता नहीं क्यों। और भाई ये देखो एक चीज़ और ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। अभी कुछ ऐसा हुआ है कि डेंजन से आप इम्प्लांट नहीं ला सकते, बट भाई एक ट्रिक है, आप इसको मारो एंड नीचे में जो टेक ऑल का ऑप्शन है उससे इम्प्लांट ले लो तो आप इजीली इसको ले सकते हो। आई मीन लॉक नहीं होगा, आप ले जा सकते हो कैजुअल मोड में, तो आप सबका इम्प्लांट ऐसे करके ले सकते हो। छोटा सा ट्रिक बता दिया बीच में। एंड भाई ये बंदे लोग क्या ही कर रहे हैं, आई मीन जो मिल रहा सबको मारते जा रहे हैं भाई, और कोई काम नहीं इन लोगों का, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चलो आगे में चलते हैं एंड भाई एक्रो भाई को फॉलो करते हैं और क्या ही करें। यहाँ पे चेस्ट ले लेता हूँ मैं। A few moments later. तो भाई यहाँ पे पानी है एंड यहाँ पे पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा प्यास भी लग गई थी मेरे को। एंड आगे जाने के बाद ओ भाई ट्रैप है, ये कैसा ट्रैप है, वॉल ट्रैप ऐसे बोलते हैं इसको। मैं इसको क्रॉस कर चुका एंड भाई मैं समझ गया, रुको दिखाता हूँ कैसे क्रॉस करना है। हो भाई किसी तरह बचा एंड आगे नहीं निकलना था मेरे को अब मेथिक एक्स की बारी, बिकॉज ओके चलो ये भी बंदा पार कर गया। एंड भाई ये बंदा मेरे को बोल रहा था हर टाइम मर जाता है एंड भाई सही में जब भी ये बंदा बोलता है मर जाएगा उसी टाइम मैं मर जाता हूँ। आई मीन आई डोंट नो क्या ही प्रॉब्लम है इसके साथ। हाँ तो भाई आगे आ चुका है चालीको थीरियम का रूम एंड यहाँ पे हम लोग क्लियर करना पड़ेगा। तो हमसे डिसाइड करते हैं राइट साइड जाना है एंड चलो राइट साइड जाके मारते हैं। और मेरे को पता नहीं यार कितने सारे पता नहीं यार कितने सारे चालीको थीरियम है, आई थिंक दो या तीन है। ओके मेरे को भी मार पड़ रही, आई मीन मेरे को लगा मैं सेफ हूँ यहाँ पे। भाई यार नहीं घेरो मत यार, ओके तीन यहाँ पे एंड नीचे में भी है। भाई यार भाई क्या ही बंदे लोग हैं ये कसम से, भाई थूक के जुआ के सिरी अटैक कर रहे हैं, मेरे दिखाई नहीं दे रहा कसम से यार, ये सब अटैक ना किया करो मेरे पे। भाई क्या ग्लिच हो रहा था पता नहीं, कुछ दिख नहीं रहा था, आई थिंक मैं डिलोफो के अंदर घुस गया था आई थिंक सो। भाई यार फिर से जुआ के सिरी अटैक मत करो ऐसा। चलो इधर का शायद से क्लियर तो हो गया एंड अब चालीको थीरियम्स बचे हैं तो उसको मार लेते हैं। एंड वहाँ पे भाई मेथिक एक्स अकेले वहाँ पे मार रहा है चालीको थीरियम्स को, भाई उसे मारने देते हैं, उसको बेट बनाते हैं एंड अब हम यहाँ पे आराम से मारते रहते हैं। तो भाई मेरे को पता नहीं यार कंपाउंड वो क्यों इतना अच्छा लगता है, बस कंपाउंड वो थोड़ा सा और स्पीड से मारते तो भाई कंपाउंड वो ओपी रहता मेरे लिए, बट अभी भी ओपी है बिकॉज इसका डैमेज एंड बाकी सारी चीज़ें तो भाई ओपी है इसके कारण, इससे इसी से मैं बॉस हराया हूँ यार, इतना तो मेरे को ट्रस्ट है कंपाउंड वो पे। एंड शॉटगन भी अच्छा लगता है बट यार शॉटगन को उतना डैमेज, आई मीन डैमेज अच्छा आई नो बट उतना मेरे को अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो क्यों। ओके तो यहाँ पे सारा चीज़ लूट लिया है हमने, यहाँ पे बचा एक क्रेट, यहाँ पे लूटते हैं एंड नेक्स्ट वाला रूम में जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं जा रहा था एंड देखो क्यूट सा जेरबुआ, और भाई यार इसे मारते हो शर्म भी नहीं आई कसम से, इतना क्यूट सा जेरबुआ को मार दिया। तो ओके ये रहा एक और जेरबुआ, देख लो कितना क्यूट है बेचारा भाई, क्या ही नूब बंदा यार किसी, भाई मेरे को भी मार के चल गया क्या ही बोलूँ अब, छोड़ यार कोई नहीं जेरबुआ तो मिल जाएगा बहुत सारा अभी आगे। भाई यार सब मेरे को मारने भी क्यों लगे हुए हैं, ये वो वाइपर वहाँ से मेरे को असॉल्ट राइफल से मारा। चलो मैं इधर से क्रॉस कर लेता हूँ, भाई इजी तो है आई मीन हार्ड नहीं है,
मेथी केक्स के लिए बहुत हार्ड है पता नहीं क्यों। तो ये चेस्ट टेक का था और भाई मेरे को इसमें से ट्रैप डोर मिला और हैकरों को टेक रेप्लिकेटर मिला, तो भाई हैकरों को तो निकल पड़ी। देखते मेथी केक्स को क्या मिलता है, भाई ये क्या कर रहा बंदा पता नहीं। ओके तो मेथी को लैंप मिल गया, आई मीन टेक का। तो भाई हैकरों को बहुत अच्छा सामान मिल गया, हम लोग को पता नहीं क्यों बेकार बेकार सामान मिला। लकी है बंदा। चलो क्रॉस करते हैं एंड नेक्स्ट रूम में चलते हैं। भाई हम जा रहे हैं फैसिलिटी की लेने, यहाँ पे चेस्ट है फैसिलिटी की का। भाई मेरे को लिटरली पता नहीं है, बट हैकरों को भाई पूरा मैप पता है, पता नहीं कैसे भाई वो कभी गलत नहीं घुसा था। आई डोंट नो यार उसको कितना एक्सपीरियंस है। तो चलो मेथी केक्स अभी फैसिलिटी की लेने गया है, तो उसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे टाइम पास कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। 2000 years later. Here we go guys, and हम दूसरे रूम पे जा रहे हैं। बट भाई यहाँ पे देखो सीन क्या होता है। आई मीन यार मैं मरने ही वाला था, आई डोंट नो कैसे नहीं मरा, आई मीन कैसे बच गया, बट भाई मैं मरने वाला था यहाँ पे। तो चलो यार जल्दी से क्रॉस कर लेते इस वॉल ट्रैप को एंड पहले एक्रो करेगा। भाई इन लोग को पता नहीं ट्रैप समझ में नहीं आता क्यों, मेरे को तो एक बार में ही समझ में आया। ये मेथिक तो और लेट लगाता है। चल ले यार भाई आज ही डेंजन कम्प्लीट करना है मेथिक, चल ले भाई मेरे। चलो ये पार हो गया, अब मेरी बारी। चलो देखो मैं कितने मस्त पार करता हूँ। आई मीन वो बंदा मेरे को वहीं से बोल ही रहा था भाई मरेगा ये बंदा, एंड पता नहीं वो जब भी बोलता है मैं मरता हूँ, पता नहीं यार ऐसे क्यों होता है। क्या ही बोलूँ अब। तो भाई अभी हम जा रहे हैं चीटियों के रूम में, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट भाई बहुत खतरनाक रहते वो लोग। और यहाँ पे देखो हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर ले रहे थे, आई मीन जो भी हमारा आर्मर था डैमेज हुआ था वो सब रिप्लेस कर ले रहे थे, तो सब कुछ हो गया एंड अभी चलते हैं अंदर में। तो पता नहीं यार मैं यहाँ पे क्यों शॉटगन को रीलोड मारा था और शॉटगन लेके था, आई मीन इस रूम में सिर्फ आपको शॉट काम में आता है, तो जाके शॉट लेके मारना। एंड भाई यहाँ पे देखो मेन बॉस रहते हैं ये जो चीटी जो जमीन पे चल रही है, आई मीन मैं को नहीं पता था, एक्रो ने मेरे को बताया अगर आप उसे नहीं मारते तो फ्लायर्स आते रहेंगे अनलिमिटेड, आप ख़त्म नहीं होंगे ये सब। तो भाई ये एक्रो तो भाई सबको मारे जा रहे यार कसम से, मेरे को मारने का मौका ही नहीं दे रहा। एंड भाई अच्छा है कि अगर पीवीपी में आई मीन जाते हो तो डेंजन में एक दूसरे को नहीं मारते, वरना भाई यहाँ पे कितने लोग की मौत हो गई रहती मेरे से। आई मीन यार मैं तो एक्रो को मारे जाता तब से। भाई ये क्या कर रहा भाई हवे में, ये कैसे मर गया यार, क्या ही बोले अब 400 लेवल का था ना। तो चलो यहाँ पे जितनी भी चेस्ट है वो सबको लूट लेते हैं। एंड भाई मेरे को पता नहीं आगे कहाँ जाना है। ओके ये रहा एक चेस्ट एंड एक और होगा आई थिंक। भाई कहाँ है एक्रो लेके जा रहा, भाई क्या हो रहा है ये मेरे से पता नहीं, मूवमेंट कुछ अजीब सा अटक गया था। ओके पता नहीं कौन सा करी मिला मेरे को, यार करी दाल भात करी नहीं खाना मेरे को, पता नहीं क्या ही काम आता है मेरे को। एक चीज़ पता है जो फोकल चिली रहता है उससे आपका स्पीड बढ़ता है बस, और मेरे को किसी करी के बारे में पता नहीं। हाँ एक ठंड से भी बचाता है वो भी पता है, बाकी पता ही नहीं यार क्या ही यूज़ में आता है। तो अब नेक्स्ट डोर पर चलते हैं, आई मीन पहले यहाँ पर चीज़ ले लेते हैं। तो अब देखो अब मेन डोर आएगा, आई मीन भाई कहाँ भाग के जा रहा है यार, कहाँ भाग के जाएगा भाई, वो तेरी भाग गया यार, कोई नहीं छोड़ो उसको। अब नेक्स्ट डोर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे फैसिलिटी की का ज़रूरत रहता है, तो आप अगर फैसिलिटी की नहीं है तो यहाँ पे नहीं आ सकते। ओके अब ये रूम आता है एनकाइलो का, एंड भाई यहाँ पे हम लोग साथ में नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर साथ में गए तो बहुत सारे एनकाइलो आ जाएंगे एंड हम लोग कहीं भी स्टक हो सकते हैं और भाई हम मर भी सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मैं सोलो जाऊँगा और ये लोग डुओ जाएंगे। तो चलो देखते हैं ट्राई करते हैं, जय माहेशमती। एंड भाई ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का और भाई मरूँगा नहीं, वैसे हम मैं एक बार मार चुका हूँ तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इन लोगों को क्लियर कर सकता हूँ, एंड क्या ही पता इस बार मर जाऊँ या फिर क्लियर ही कर दूँ, पता नहीं देखते हैं क्या होता है। तो ये रूम हार्ड नहीं है, बट भाई एक चीज़ के कारण ये थोड़ा सा हार्ड बन जाता है, वो है इन लोग का हेल्थ एंड भाई ये लोग का वेव्स, आई मीन अब 3-4 वेव्स आते हैं इसलिए यार थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आई मीन यार बोर हो जाता है मारते मारते इसलिए। और भाई उस टैपियारा का तो ज़िंदगी में कुछ अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है भाई, वो भागना चाह रहा बस निकल नहीं पा रहा, क्या ही करे यार, दो दो टैपियारा है सच में। भाई इसको मारने का मन कर रखा कसम से यार, बहुत दिमाग ख़राब कर रही है टैपियारा, भाई कुछ कर थोड़ी रहे यार, आराम से बैठे रहो जहाँ पे बैठना है। वो देखो वो और भाग रहा, भाई क्या ही कर रहा है ये बंदा कसम से। एंड अगर भाई इसके कारण अटका ना तो इसको मैं मार ही दूंगा, बिकॉज क्या परेशान कर रहा है बंदा, इधर से उधर इधर से उधर। ओके चलो एक वेव शायद से कम्प्लीट हो गया एंड अब सेकेंड वेव, तो शायद से 3 या 4 वेव आएंगे उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। भागो यार पहले, तो मेरे को कुछ कंप्लीट आई मीन मेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा इस रूम में, बस मारते रहना है। एंड एमो भाई एमो इस बार बहुत सारा लेके आया, नेक्स्ट टाइम तो ख़त्म हो गया था भाई, बॉस फाइट में मैंने बो से मारा है, आई मीन बॉस को भरोसा करो, एंड लास्ट में भी बो ख़त्म हो गया था, आई मीन एरो ख़त्म हो गया था, तो मैंने शॉट से जाके मारा उसका, कम से कम 2K हेल्थ बचा होगा तब मैंने उसको शॉट से जाके मारा। एंड भाई लिटरली वेस्ट का तो उसने बैंड बजा दिया था। तो चलो इसे जल्दी से मार लेते हैं यार, भाई क्या ही कंटाल आ रहा है इसको मारने में। A few moments later. And here's the final blow, guys. तो ख़त्म हो गया बस,
भाई क्या ही फेंकाया ये बंदा उड़ के। चलो दूसरे रूम में जाते हैं एंड हम यहाँ पे जेरी के साथ मजा करते हैं, आई मीन जेरबोआ, और वो लोग को फाइट करने देते हैं एनकाइलोस से। तो वेट करना पड़ेगा जैसे वो लोग मेरे लिखे हैं, एंड आई थिंक वो लोग जल्दी ख़त्म कर देंगे बिकॉज यार वो लोग दो जन हैं एंड दो जन मिलकर मारेंगे साथ में, तो भाई जल्दी ख़त्म होना ही है। तो यहाँ पे मैं बाहर में उसका वेट कर रहा था, आई मीन ख़त्म होने का, एंड ये बंदा देखो आके क्या ही करता है मिथिक, ये देखो आके हाय बोले, क्या बंदा है कसम से यार। चलो मैं भी हाय कर देता हूँ, एंड भाई अभी मेरे को घुसना नहीं है, अगर मैं घुसा तो यार फिर से स्टार्ट हो जाएगा, आई मीन जैसे फर्स्ट वेव आता था वैसे स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अंदर नहीं आ रहा, वरना इन लोग की हेल्प तो करने का मन है बट कर नहीं सकते, क्या ही करें, अंदर बाहर बैठ के वेट करते हैं। तो फाइनली एक दो मिनट के बाद इन लोग का ख़त्म हो गया, आई मीन यार इन लोग जल्दी ख़त्म कर दिए मेरे से पहले बिकॉज यार डुओ थे। तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ, एंड पता नहीं यहाँ पे मेरा बंदा ग्लिच हो गया था, आई मीन क्राउच करके चल रहा था, आई डोंट नो, बट मेथिक एक्स मेरा यहाँ पे मजाक भी उड़ा रहा था, वह था बूढ़ा बूढ़ा। तो अब नेक्स्ट रूम जाना है एंड यहाँ पे पहले पानी पी लेते हैं यार आराम से, मैं पी नहीं पाया एक मिनट फिर से पी लेता हूँ, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट रूम चलते हैं, एंड नेक्स्ट रूम शायद डायर बियर का होगा, आई थिंक सो बिकॉज मैंने किया था कंप्लीट और मेरे को थोड़ा बहुत याद है। तो चलो चलते हैं भाई, एक्रो पूरा अच्छा से रास्ता पता लगाता है यार, मैंने टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है इस ये बंदा साथ में, तो ओके। तो ये रूम है चलो, एंड नहीं नहीं ये नहीं है, आई मीन ये लग रहा था बट वैसा नहीं है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो भाई बीच में ट्रैप आता है ये वाला, एंड भाई ये नूब ट्रैप है भाई, ये लिटरली कुछ है ही नहीं ट्रैप, मैंने ट्रैप का नाम पे बस थोड़ा देर रुकना पड़ता है आपको एंड दौड़ दौड़ जाओ, लिटरली यार इजी ट्रैप है, इजी पीजी बोलते बोई। तो चलो अब नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, एंड मेथिक एक्स आ रहा है क्या, ओके आ गया बंदा, चलो मेरे को लगा मर जाएगा वहाँ पे बीच में, भाई अगेन यार टैप यार भाई, क्या ही नूब बंदा है टैप यार सच में। A few moments later. So here we go guys, and यहाँ पे भाई ब्रोंटोक्रोम था, मैं गलती से डायर बियर का बोल रहा था, बट भाई ब्रोंटोक्रोम था, इसे क्लियर कर लेते हैं। एंड देखो भाई यार माइंड वाइप नहीं पीना था, आई मीन फूगल चिली पीना था, एंड देख लो माइंड वाइप भी मिल गया हमें एंड फ्री में, तो मैं जाके यूज़ कर लूँगा बाद में। और भाई हील उल कर लेते हैं भाई, ब्रोंटो का एक शॉट और आप मर जाओगे बिकॉज यार शायद से नो आर्मर का है और भाई डैमेज तो बहुत ज़्यादा है, एंड भाई ये लोग क्या ही लेके कर रहे हैं, आई मीन कंपाउंड बो से मारेंगे आई थिंक सो, मैं भी ले लेता हूँ कंपाउंड बो, देखते किससे भाई क्या कर रहा है टैपी आ रहा को मारा भाई पर पैरा सॉर था शायद मेरे को लग रहा है टैपी आ रहा है, ओके चलो एक स्पॉन लिया वहाँ पे भाई, ओके बहुत स्लो है, आई मीन उतना स्पीड नहीं चल रहा ये बंदा, बहुत स्लो स्लो चल रहा है, नूब है नूब्स है, दे आर नूब्स, मार देंगे आराम से। अच्छा वो लोग असॉल्ट राइफल यूज़ करने लगे, कोई नहीं मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, ईजी पड़ेगा। ओ भाई क्या लाल लाल हो रखे हैं वो लोग भाई, ओके ये मैंने आई मीन टर्न नहीं ले सकता है, थोड़ा सा लेट लगता है ये लोग को, आई मीन ये लोग देखने में बस बच्चे हैं, हरकतें बड़े वाली है, आई मीन टर्न नहीं ले सकते ये लोग, तो आराम से मार लेंगे, उतना हार्ड नहीं है ब्रोंटो करूँ, बस भाई बच के रहना, आई मीन एक शॉट भी मत खाना वरना भाई आप मर जाओगे। कंपाउंड वो भी ट्राई करते हैं भाई, ओके रुक गया वो लोग भाई, यार डर लगता है पता नहीं क्यों मेरे को इन लोग से, आई मीन एक्रो बोला था एक शॉट में भाई, ग्लिच फिर अगेन, गलती सीन होते रहते हैं मेरे साथ, क्या चल रहा है भाई बंदा रुक रुक के चल रहा है, ब्रेक डांस कर रहा है क्या, क्या ही मर रहे हैं ये लोग भाई कसम से यार, इन लोगों का हेल्थ तो बहुत ज़्यादा है भाई, रुक रुक के चलना बंद करेगा। चलो शॉटगन भी ट्राई करते हैं, आई मीन सारे वेपन्स ट्राई करेंगे भाई, ये रुक गया आई मीन ग्लिच, ओके चलो मर भी गया, मेरे मैं मारा कि एक्रो मारा आई डोंट नो भाई कौन मारा, क्लियर हो गया ओके चलो क्लियर हो गया, आई मीन हम लोग तीनों एक एक करके मार दिए, एंड फाइनली यार ये रूम भी क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं भाई, ओपी बोलते हैं, एंड ये रूम आई थिंक डायर बियर का है, हाँ ये कन्फर्म डायर बियर का है, तो इसमें भी मैं अकेले जाऊँगा, आई मीन जय महेश मत यार कुछ देखना उखना नहीं है, एंड अगले बार तो मैं इसको इससे मारा था, आई मीन शॉटगन से मारा था, ओ भाई ओ भाई डैमेज दे रहा है यार सच में, मेरे को लगा था डैमेज नहीं दे रहा, एक्रो बोला था शॉट लेके मार एंड भाई आराम से मर जाएंगे, बट भाई ये तो डैमेज दे रहा, ओके एक मर गया, एंड एक और वेव आएगा और उसमें भी एक डायर बियर, ओके ईजी पीजी बोलते बॉय, एंड ज़्यादा हार्ड नहीं है आई मीन इसको हराना, हम तो प्रो हैं आराम से हरा दो भाई, अरे भाई भाई ओके ये ट्रेन है ना, ट्रेन जैसे चलते हैं धीरे 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 भाई उसका स्पीड होते जाते हैं भाई, ओपी डैमेज यार ओपी डैमेज ओपी डैमेज, अगर मेरे पास भाई यार क्या जल्दी आ रहा बंदा, चलो ओके मर गया, एंड दूसरा रूम में चलते हैं, ओके ये टेक का सामान है आई मीन यहाँ पे टेक का सामान है, वो लोग को पहले मारने देते हैं, एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं अपना आर्मर्स, एंड वो लोग आएंगे तब टेक का सामान लेंगे, देखते हैं किसको क्या मिलता है, मेरे को तो इसके पहले मिल चुका है आई मीन ये हेलमेट टेक का, एंड ये लोग को देखते हैं क्या मिलता है। हियर वी गो गाइस, एंड टेक का सामान ले लेते हैं जल्दी से आके, क्या मिला असेंडेंट रॉकेट लॉन्चर भाई, यार लिटरली मैंने एक बार टेक का सामान दे दिया तो उसके बाद कुछ देगा ही नहीं, एंड अब मेथिक एक्स देखते हैं क्या मिलता है,
क्या कर रहा बंदा, ये चारों तरफ गोल गोल घूम रहा। तो गाइस इस डेंजर में जिस चीज़ के लिए आए थे यार वो हमें मिल चुका है, एंड मेरे को नहीं मेथी केस को मिला टेक राइफल। तो भाई बहुत अच्छा है टेक राइफल, और मेरे को पता नहीं क्यों ये टट्टी से सामान मिल गया रॉकेट लॉन्चर, पर कभी ना कभी तो काम में आएगा। और एक्रो को हेलमेट मिला था टेक का। तो ये रहा बॉस का रूम, एंड भाई बॉस का रूम नहीं है, आई मीन यहाँ से टेलीपोर्ट करके जा सकते हैं। तो मैं पहले प्रिपेयर कर लेता हूँ जो भी सामान चाहिए वो सब, एंड उसके बाद चलते हैं। तो चलो हम लोग सब तीनों आ चुके हैं, एंड यहाँ पे दिखा रहा है प्लेयर टू टेलीपोर्ट 3x10। ओके तो अब टेलीपोर्ट करते हैं यार चलो। एंड ये रहा बॉस रूम भाई, अब जल्दी से यार हराना है हमें बॉस को। भाई कहाँ ही रहता है ये बॉस, आई मीन मेगा पेथिकस। ओके वो रहा गोरिल्ला यार, क्या ही अपना छाती पीट रहा भाई कसम से। भाई इस भाई और क्या फेंक के मारा स्टोन, इसके पहले भी मैं इससे लड़ चुका हूँ और भाई इसे आराम से हराया। आई मीन मेरे को टोटली 11 मिनट्स लगे थे इसे हराने में, बट अभी हम लोग तीन लोग हैं तो भाई आई थिंक हम लोग जल्दी हरा दे। बट इसका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा होता है अगर तीन लोग आते हैं तो। एंड ये टिद्दी लोग भाई, ये लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पता नहीं इन लोग को मार देता हूँ रुको, ये लोग वरना बाद में डिस्टर्ब करेंगे। भाई मेथी के एक्स ऐसे बीच में आएगा तो यार गलत हो जाएगा, गलत सीन हो जाएगा। ओके इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसको चारों स्टोन के साइड में घुमाते रहना आपको, एंड भाई इजीली मर जाएगा ये बंदा। और अभी पता ही नहीं ये कभी कभार कहाँ पे चढ़ जाता है, आई मीन देखो अभी बीच में एक दो सेकंड के लिए गायब हो जाएगा। इसके पहले भी मेरे को इसी के कारण दिक्कत पड़ा था यार, ये दो सेकंड मैंने कम से कम एक कभी कभार तो बीच वाले स्टोन के पास जाता है, एक मिनट के लिए गायब हो जाता है ये बंदा, एंड मार नहीं पाते उसके कारण टाइम वेस्ट होता है जस्ट। भाई ये छोटे मोटे भाई यार छोटे छोटे क्या नाम है इसका बंदर, ये है असली रियल बंदर है, आई मीन ये लोग पता नहीं क्या फेंक के मारते हैं यार, टॉर पर बहुत गंदा चढ़ता है। ओके इसमें जस्ट भागते रहना यार, भागते रहो बस। और भाई देखो ये क्या फेंक के मारा, ब्लाइंडनेस मिलता है और भाई आपका मूवमेंट स्पीड स्लो हो जाता है, ऊपर से टॉर पर गिर जाता है। भाई यार कितने सारे बंदे यार, मैं एक दो को मारा उसके बाद मेरे को लगा खत्म हो जाएंगे ये, आते जा रहे कोई नहीं हम यहाँ पर मारेंगे। भाई मेरे पास आ रहा, ओके चलो भागो। देखो डेड बॉडीज पड़े हैं वहाँ पे, कभी कभार अटक सकते हैं तो देख के जाना, आई मीन देखते रहना। ओके देखो फिर से ये फेंक के मारा, भाई लिटरली यार क्या ही बंदे हैं छोटे छोटे वाले, बहुत इरिटेट करते हैं। तो चलो यार मैं कंपाउंड बॉस से ट्राई करता हूँ, बिकॉज यार इसके पहले भी कंपाउंड बॉस से मारा था, एंड मेरे को पता नहीं है कंपाउंड बॉस से प्यार से हो गया, बिकॉज यार उसको लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज है, एंड लिटरली ब्रो लगता है कि है शायद, पता नहीं, बट ट्राई करते हैं कंपाउंड बॉस से मारने का। वो लोग तो मार ही रहे हैं ऊपर से, आई थिंक सो मरने वाला। भाई कंपाउंड उसे लग ही नहीं रहा यार, क्या ही बंदा है, पता नहीं ये ग्लिच है या फिर कुछ। देखो वो कैसे कहाँ पे चढ़ रहा है भाई बंदा। ओके चलो ज़्यादा हेल्थ नहीं बचा उसका, बहुत कम बचा है, गोरिल्ला मरने वाला है बच्चा। एंड भाई ये छोटे बंदर का यही काम है, एक जगह पे खड़े नहीं रहने देते आपको, मार के ब्लाइंडनेस देते रहेंगे यार, लिटरली बहुत परेशान करते हैं कसम से। एंड टॉर पर आपका अलग बढ़ता है, मेरा एमओ भी ख़त्म हो रहा है यार, देखो असॉल्ट राइफल में, अब मेरे को शॉटगन से मारना पड़ेगा। चलो कोई नहीं मारते, वैसे मरने वाला है, ज़्यादा हेल्थ नहीं बचा इसकी। एंड हियर इज द फाइनल ब्रो गाइस, और ये मर चुका है भाई, अब बहुत ईजी था इसको हराना। तो चलो यार इसको हरा के तो मज़ा आ गया, एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो लाइक कर देना, और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता आपसे नहीं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज में, सो टेक केयर एंड गुड बाय।